नमस्कार मित्रों, सार्थक और प्रिंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721413385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली भर्तियां, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करिए और बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए और आप उसे शेयर कर सकें। सॉरी, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। सर्वप्रथम सूचना, मेरे उन भाई बहनों के लिए जो कि हमारे चैनल के रोजाना के व्यूअर हैं और उन्हें ये लगता है कि हमारे प्रयत्न करने से उनकी समस्याओं का समाधान होता है, इसलिए उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। दूसरी बात ये कि जब आप लोगों के समक्ष हम आते हैं तो हमारे पास जो सूचनाएं होती हैं वो 100% सत्य होती हैं। मैं आपको लाग लपेट वाली बातें नहीं बताता, आपको संभावनाएं नहीं दिखाता, जो सत्य है, जो हो रहा है, जो हो चुका है वो बताता हूं, वो भी आपके सम्मुख आता ही आता है। मैंने एलटी ग्रेड में पदोन्नति की बात की थी, आपको याद होगा, इसके 2-3-4 वीडियो पहले हमने जब सीट की बढ़ोतरी की बात की थी और साथ साथ पदोन्नति की बात की थी, तो वो चीजें आप लोगों के सम्मुख नहीं आई हुई थी। लेकिन आज आपने समाचार पत्रों में पढ़ लिया होगा कि पदोन्नति के लिए जो है कुछ लोग एलटी ग्रेड के टीचर उनको प्रवक्ता बनाया जा रहा है, जो प्रवक्ता है उनको जो है प्रिंसिपल आदि के बीच में भी प्रमोट करने की जो है वो चीजें चल रही हैं, ठीक है। क्योंकि 491 नए जीएससी कॉलेजेस की स्थापना की गई है जिसमें लगभग 4,500 एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के पद खाली हैं। अब आप स्वयं समझ लीजिए, पदों की जो है बढ़ोतरी नहीं होगी, अवश्य होगी, 100% होगी, हो चुकी है पदों की बढ़ोतरी। आपको 12,000 से लेकर के 13,390 पदों के बीच में आपको एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। मैं शुरुआत से ही कहता आया हूं ये चीज, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी अपने भाई बहनों के समक्ष असत्य भाषण नहीं करता। मुझे नहीं शौक है कि मैं आपसे कोई असत्य भाषण करूं, मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है छात्र हित। अगर उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना है तो उसके लिए हम सदैव तत्पर हैं, तैयार लगे हुए हैं और हम कभी थकने वाले इंसान नहीं है, कभी हारने वाले इंसान नहीं है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज लोक सेवा आयोग में जो है एक ज्ञापन सौंपा गया सचिव महोदय को और उनसे इस बात की जानकारी लेने का प्रयत्न किया गया कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन चूंकि अध्याचन प्राप्त हुए लगभग 32 से 35 दिन हो रहे हैं और अभी तक उसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ, अधिसूचना उसकी नहीं जारी हुई और शासनादेश तो उसका आ ही चुका था, तो उन्होंने बताया कि कुछ पदों पर अभी प्रमोशन आदि के कार्य चल रहे हैं और कुछ जो है मतलब पद रिक्त हुए हैं, कुछ लोग अदर नौकरी पर सिलेक्ट हो गए हैं तो उन्होंने जो है उस पर रिजाइन कर दिया है, तो उन सभी पदों का ब्यौरा भी मांगा गया है कि कितने पद रिक्त हैं और जितने पदों का ब्यौरा पूरा सबमिट हो जाएगा 1 जून तक आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी किया जाएगा, ये आज सचिव महोदय ने स्पष्ट किया है। दूसरी प्रमुख अपडेट की मतलब अब एलटी ग्रेड में किन किन विषयों को लेकर के विवाद है, तो उन्होंने सिर्फ 2 विषयों का नाम लिया है जिसमें आपका गणित और आपका जो है कला, ये 2 विषय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही कला की समकक्ष अर्हता संबंधी जो है विवाद साल्व होता है, एलटी ग्रेड 2018 कला विद्यार्थियों की नियुक्ति का रास्ता भी साफ हो जाएगा और उन्हें 24 घंटे के भीतर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा जिस दिन ये प्रॉब्लम साल्व होगी। बस इतना ही मुझे सुनना था, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से लिखित पत्र लेकर के आएंगे और लोक सेवा आयोग को प्रस्तुत करवाएंगे और वहां से जवाब डिस्पैच कराने के बाद ही हमारी टीम वहां से वापस आएगी। आज एक समाचार और आपको दे दें, ईडब्ल्यूएस के मामले पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने का वक्त मांगा गया था लेकिन चूंकि कोविड प्रोटोकॉल है, दिल्ली में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से उन्होंने मिलने का वक्त नहीं दिया। लेकिन सेकंड पोजीशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट अमित शाह जी, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उनसे जो है मिलने का वक्त मिल चुका है। कल वो 5:30 बजे अपने आवास पर हमारी
जॉय डेलीगेसी से हमारी टीम से मुलाकात करेंगे और वहां पर बातचीत होगी और ईडब्ल्यूएस के मुद्दे को लेकर के और उत्तर प्रदेश में भर्तियों को किए जा रहे विलंब आदि को लेकर के उनसे चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी। और ईडब्ल्यूएस का आरक्षण उसी बेस पे हो, उसी चीजों पे हो जिस चीजें पे मतलब आपका अन्य पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का, ओबीसी एससी एसटी का आदि का आरक्षण चलता है उसी आधार पर इनका भी आरक्षण हो और इनको भी 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिले। इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जो है मतलब केंद्र सरकार जारी करे और ताकि ये समान राज्यों पर, सभी राज्यों पर समान रूप से लागू हो और उत्तर प्रदेश में जो चीजें चल रही हैं उन सारी चीजों की जानकारी भी उन्हें प्रदान की जाएगी कि विज्ञापन आदि में कितना विलंब हो रहा है, विद्यार्थी बहुत असंतुष्ट हैं। और चूंकि विधानसभा चुनावों में लगातार चुनाव प्रचारों में जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने अपने भाषणों में कहा था कि हम भी वैकेंसियां देंगे, विज्ञापन आएंगे, तो अभी विज्ञापनों में जो लेट हो रही है, जो देरी हो रही है, इससे विद्यार्थी फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं। और एकमात्र आपका यही यूट्यूब चैनल है जो आपको प्रमोट करता है और जो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि आप निराश बिल्कुल ना हो। आप लोग बेरोजगार हैं इस वजह से आप लोग परेशान हैं, हम रोजगार में होते हुए भी हम आपके लिए परेशान हैं कि हमारे भाई बहन निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं, तो उनकी थोड़ी सी मदद की जाए, उनके लिए थोड़ा सा वो किया जाए। हमारा प्रयत्न यही होता है कि मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर सकूं और आपके मन पे जो बोझ रहता है, जो निराशा रहती है, वो उसको मैं दूर कर सकूं, ठीक है। और रही बात मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए, तो टीजीटी पीजीटी में पदों की बढ़ोतरी होनी तय है। आपको लगभग 22,000 से लेकर के 25,000 पदों के बीच में जो है विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, ये कंफर्म हो चुका है, तय हो चुका है, ठीक है ना। और जो भी सदस्य आएंगे, उम्मीद करते हैं कि जो एक दो सदस्य जो मतलब परिचय के आ जाए तो ज्यादा बेहतर है, उनसे जान पहचान हो जाए तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि सूचनाएं प्राप्त करने में आसानियां होती हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज इन सभी मुद्दों को लेकर के जब चर्चा की गई, उन्होंने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि 10 दिन के भीतर विद इन 10 डेज मतलब इस समकक्ष संबंधी योग्यता का निस्तारण कर दिया जाएगा। और इस बात को लेकर के भी हम लोग आज कैबिनेट मंत्री श्री नंद गोपाल नंदी जी से मिले थे और उनसे अपनी समस्याओं के बारे में बताया था, उनसे कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि की समस्याओं के विषय में बताया था और उनके उसके साथ साथ विज्ञापन में हो रही देरी की वजह से विद्यार्थियों की समस्याओं के विषय में बताया था। तो उन्होंने कहा था कि आगामी समय में कैबिनेट मीटिंग होने चल रही है और इसमें जो है पूरी तरीके से शासनादेश जारी किया जाएगा आगामी भर्तियों के लिए और जो भर्तियों में जिस तरीके के विवाद हैं उन विवादों का निपटारा करते हुए आप लोगों के विज्ञापन को जारी कराया जाएगा। और इस बात को लेकर के भी हम आश्वस्त हैं, पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि आज 10 दिन के भीतर जो सचिव महोदय ने टाइम दिया है लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने, और उन्होंने कहा है कि 10 दिन के भीतर समकक्ष संबंधी जो योग्यताएं हैं उनका निस्तारण हो जाएगा। एलटी ग्रेड विज्ञापन जारी होने के पहले हम जो है कला विद्यार्थियों की नियुक्तियां कर देंगे, 24 घंटे के भीतर पोर्टल खोल के उनका वेरिफिकेशन करवा देंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे उनकी नियुक्तियां होती है उनको नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा, तत्काल आप लोगों का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। और कंप्यूटर साइंस का जो विवाद था, कंप्यूटर साइंस में भी बीटेक वाले विद्यार्थी शामिल हो गए हैं, जो बीएड बीटेक हैं उनको जो है शामिल कर लिया गया है, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है मतलब आप लोगों के लिए हो गई, पहले नहीं था, पहले बीटेक वाले विद्यार्थी जो बीएड है वो नहीं शामिल थे लेकिन अब वो शामिल है, ठीक है। तो आगामी समय में जो भर्तियां आ रही हैं आपके जीएससी प्रवक्ता की और आपकी जो है मतलब क्या बोलते हैं एलटी ग्रेड की, ठीक है ना, उसमें आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और प्रावधिक कला वाले विद्यार्थी परेशान हैं बहुत ज्यादा कि क्या हम एलटी ग्रेड में अप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल इस बार आप लोग अप्लाई कर पाएंगे और उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। आज एक मुद्दे को लेकर के और भी बातचीत हुई, तो जीएससी में जो है बीएड की अनिवार्यता जो है उसके विषय में भी बातचीत की गई। तो उन्होंने कहा कि आपकी इस मांग को जो है आगामी समय में जो बैठक होने चल रही है लोक सेवा आयोग में मेंबर आदि अध्यक्ष आदि के साथ में, उनके समक्ष ये चीजें रखी जाएंगी कि अगर इसमें कोई रियायत मिल सकती है एमएससी एमकॉम के विद्यार्थियों को तो उन्हें भी राहत दी जाए, अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब इसके लिए भी फैसले लिए जाएंगे, छात्र हित के विषय में फैसले लिए जाएंगे, आप लोग बेफिक्र होकर के अपने घर जा सकते हैं। तो जो चीजें हैं अब पॉजिटिव चीजें मिलने लगी हैं, मतलब कि आपके विज्ञापन की एक एक जो राहें में कांटे थे वो कांटे हम लोग निकालने लगे हैं, लग गए हैं, जुट गए हैं, तो विज्ञापन लेकर के ही रहेंगे, निश्चिंत रहें इसके लिए बिल्कुल भी। अब बात कर लेते हैं आपके यूपीएसआई की नई वैकेंसी को लेकर के, उसके लिए भी चर्चाएं आम हो चुकी हैं।
और 1200 पदों पर नए यूपीएसआई का विज्ञापन आपका जारी होगा, इसकी सूचना प्राप्त हो रही है पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से। और साथ ही साथ एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के आज आपके बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी को एक ज्ञापन ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया गया। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में हम अधिकारियों की मीटिंग लेने चल रहे हैं और उसमें सारी बातों का डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट और साथ ही साथ एसटीएफ और एलआईयू की रिपोर्ट जो थी उसको लगा करके प्रेषित किया गया है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के पास। वो मुख्यमंत्री महोदय उन सारी रिपोर्टों का संज्ञान लेंगे, सारी चीजें देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद जो उनका फैसला होगा तत्काल आप लोगों को जिला आवंटन सूची आदि जारी होगी। अब मुख्यमंत्री महोदय क्या फैसला करते हैं ये देखने वाली चीजें होंगी। सारी चीजों का फैसला आपका 20 तारीख के पहले पहले हो जाना, क्योंकि 15 तारीख के बाद से ऑलरेडी जो है विद्यालय बंद होने चल रहे हैं, तो आप लोगों को नियुक्तियां जो है वो 1 जुलाई से ही प्रदान की जाएंगी, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइए, और जो विद्यार्थी हमारे चयनित हैं इसमें और अपने नियुक्ति आदि के लिए जो है आश्वासन मांग रहे हैं कि हमें नियुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, प्रक्रिया स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, प्रक्रिया स्टार्ट होगी और इस पे फैसला आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत जल्दी ही लेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके 6800 की लिस्ट को लेकर के। 6800 की लिस्ट में बहुत अच्छा मोड़ आ चुका है। मोड़ ये आ चुका है कि सरकार ने पूरी तरीके से कोर्ट के अधीन होकर के सारी चीजें बोल दी है कि अगर कोर्ट आदेश करेगा तब इनकी नियुक्तियां करने के लिए तैयार है। आज अपने सीनियर अधिवक्ता जो हमारा टीजीटी पीजीटी का केस लड़ रहे हैं उनसे बातचीत में हमने पूछा ये चीज कि क्या ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता, और जब तक सरकार इस चीज का स्पष्टीकरण नहीं देती है कि 69,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने के पश्चात 6800 का ये लिस्ट नया कहां से आ गया, तो इस चीज को जब तक कंफर्म नहीं करेंगे तब तक कोर्ट इनको नियुक्ति का आदेश जारी नहीं कर सकती है, क्योंकि इस भर्ती पे स्टे लगा चुकी है, मतलब 6800 की लिस्ट पे स्टे लगा चुकी है और ये स्टे चलता ही जाएगा, आप लोगों की नियुक्तियां अभी नहीं हो पाएंगी, ठीक है ना। तो आप लोग 6800 वाले जो है मतलब अभी उम्मीद इसकी छोड़ दीजिए, उम्मीद इससे कम ही करिए, अपनी तैयारी करिए, आप सिलेक्ट हो ही उसमें, जब उसकी नियुक्तियां होंगी आपको नियुक्तियां मिल जाएंगी, तो आप लोग परेशान बिल्कुल भी मत होइए। और एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं हम आपसे, टीजीटी पीजीटी के लिए जो विद्यार्थी परेशान है, टीजीटी पीजीटी का मई माह में विज्ञापन आना तय है, सुनिश्चित है। आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में लगे रहिए, जुटे रहिए, रमे रहिए, और जब तक सुपर टेट का विज्ञापन जारी नहीं होता तब तक 6800 वाली चीजें भी फाइनलाइज नहीं होंगी, क्योंकि वोट बैंक की ऐसी राजनीति होती है कि उसमें सारी चीजें फैक्ट टू फैक्ट रखी जाती है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, और जो ये 17,000 वाली पद की अधिसूचनाएं आपको कई चैनल दिखा रहे होंगे ये सारी चीजें बकवास हैं, और 17,000 पे कोई जो है चर्चा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। जब भी आपका वैकेंसी आएगा 56,000 से लेकर के 74,000 पदों के बीच में आएगा, ठीक है ना। जो कमेटी की रिपोर्ट सौंपी गई थी उसमें भी 1.5 लाख पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता बताई गई थी, क्योंकि इसमें नामांकन बेसिक शिक्षा विभाग में ताबड़तोड़ चल रहे हैं और पोर्टल आदि पे भी उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, तो आगामी समय में आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी शासन प्रशासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और लगातार जो है शिक्षक दल में बैठते हैं, शिक्षकों के बीच में बैठते हैं, और हमारे साथ हजारों हजार विद्यार्थी हमारी अकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो हमें भी सारी चीजें जो है वो मालूम चलती रहती है, पता चलती रहती है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा से ही आप लोगों को सत्य तथ्यपरक और सार्थक सूचनाएं प्रदान करता है। मेरा एकमात्र यही उद्देश्य होता है कि मैं विद्यार्थियों का भला कर सकूं। यदि आप लोग यूपी कांस्टेबल आदि की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और वीडियो आदि की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ लोअर सबॉर्डिनेट आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 97141385 पर संपर्क करके परीक्षा नोट्स आदि ले सकते हैं और अपनी तैयारियों को मजबूत बनाकर अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।